आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। नैब हुकाम का एलडीए अफसरान के साथ पाक अरब सोसाइटी F1 का दौरा। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी में होने वाली बेजाबतियों पर तहकीकात जारी। इसी पर बात कर लेते हैं, राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, बताइएगा इस तहकीकात से मुतालिक कब तक तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी? जी मानो अभी तो तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ है। चंद रोज खबर भी हमने देखा कि नैब ने इनके मध्य जो ऑफिस है पाक अरब सोसाइटी का, वहाँ पर छापा मारा था। 6 घंटे जो नैब है उन्होंने तमाम रिकॉर्ड का जायजा लिया था, दफ्तर सील कर दिए थे, तमाम रिकॉर्ड अपने साथ ले गए थे। अब फेज वन जो उन्होंने बनाया था F1 से कहा जाता है, उसके साथ जीगर जो फेसिस बनाए गए थे उसके जाने से पास रखी जाए थे, तमाम गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे और इसकी जो फाइल्स हैं प्लॉट है वो भी फोर्स कर दिए गए थे। लोगों को एक एक प्लॉट 5 लोगों को फोर्स किया गया था, जिसके पास साहब से जो मुताजिन है उन्होंने नैब के ऑफिस के बाहर भी तजार किया था। ये तहकीकात का सिलसिला जारी है। आज एनडीओ काम और नैब के तफ्तीशी अफसर हमास जो है वो एनडीए के साथ चीन से हमारा उन्होंने दौरा किया। F1 का पास अब तहकीकात जाए का कहना यह कि इसमें एनडीए काम ने जो नक्शा पेश किया है नैब काम को, उसमें बताया गया है कि सिर्फ F1 का जो है नक्शा जमा करवाया गया था, जबकि बाकी दीगर जितने भी जॉब्स बनाए गए हैं तमाम गैर कानूनी है। इस वजह से तहकीकात का जारी है और रिकॉर्ड जो है मजीद तलब किया गया है एनडीए नैब काम की जानिब से। एनडीए काम को कहा गया है मजीद रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद तफसीलात से आगाह करने के लिए।